टेस्ट यहाँ है। अजीब खेल में भी ला दे मजा। तू कुत्ता। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं 100 ईयर सिमुलेटर। और जिन भी लोगों ने ये पिछला वाला वीडियो देखा होगा उन्हें पता है कि ये कितना ज्यादा वियर्ड गेम है। नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना और इसको एंड तक देखते रहना। इस गेम में ऐसी ऐसी चीजें होती है भाई, देख के दिमाग घूम जाएगा आपका। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों ने पिछले वाले वीडियो में 6 एज तक देख लिया था और वो 6 एज तक वाला गेम प्ले इस वाले वीडियो में भी है तो वो डायरेक्ट स्किप करके जा सकते हैं। 7 एज तक टाइमलाइन आ रहा होगा यहाँ पर, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस गेम का मैंने एक गेम प्ले देखा है तो मुझे पता है कि अभी हम लोग एक छोटे से मैटर हैं और अभी हमें एक याद आया, अभी हमें एक बेबी बनना है। तो फिलहाल अभी हम लोग बेबी बनने के स्टेज पे हैं और इसमें सही में हमें 100 ईयर्स सर्वाइव करने अपने डिसीजन के हिसाब से। फिलहाल अभी हम लोग को चूज़ करना है कि हमारा बेबी कैसा होगा। तो मेरे अंदाज से मैं इस वाले बच्चे को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा है। फिर भी ये वाला बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है क्योंकि बच्चे क्यूट होते ही हैं। फिलहाल अभी हमें बच्चे का नाम रखना है। तो हमारे बालक का नामकरण तो हो चुका है और अभी चलते हैं फर्स्ट स्टेज की तरफ, यानी कि ईयर वन की तरफ। और अभी हम लोग पैदा हो चुके हैं और सामने हमारे माता श्री और पिता श्री हैं। और अभी हमें किसके पास जाना चाहिए? तो मेरे अंदाज से कि हमें पिता श्री के पास जाना चाहिए। और भाई मैं कब से ये ही हुई हुआ हुआ क्यों बोल रहा हूँ, प्योर हिंदी क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं। तो फिलहाल अभी हम लोग अपने फादर के पास आ चुके हैं और भाई ये पागल है, इसलिए मैं ये गेम नहीं खेल रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब गेम है, समझ गए होगे। अपने मॉम को दे दे, बट नहीं भाई, इसको खुद ही करना है। तो फिलहाल अभी हमें चलना है मदर के पास और अभी फिलहाल मैं एनिमेशन को हम लोग स्किप करते हैं। तो क्या अब चलते हैं हम लोग मॉम के पास। तो मॉम आई एम कमिंग। मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई, ये इतना ज़्यादा वियर्ड गेम है तुम लोगों ने तो देख ही लिया। और फिलहाल अभी हम लोग थोड़े से बड़े हो चुके हैं और अभी हमने लोग को जाना है अपने मदर के पास वापस से। और पता नहीं ये फिर से हमारे साथ वो ना कर दे। और इस बॉल एंड कार को कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? कोई भूत पड़े तो नहीं है ना घर में? मुझे ऐसे ही डर लग रहा है भाई, ये भाई भूत तू इस कार को लेकर चले जाए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो फाइनली भूत ने कार को ले गया है और अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने मदर के पास और मदर से ऐसे हमें खिलाएगी प्लीज़। हाँ ओके ओके, कुछ इस बार कुछ है नहीं ऐसा। और फिलहाल चलते हैं अपनी एज 3 की तरफ। ओके, हम लोग थोड़े से ज़्यादा और बड़े हो चुके हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एज 3 में। तो फिर इधर सामने एक वास है और एक टॉय है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये बच्चा है तो हमें इसे टॉय ही देना चाहिए और वास नहीं देना चाहिए। पता चले इसने इसको फोड़ वोड़ लिया और अपने में घड़ा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अभी ये क्या ये इसके साथ खेलेगा? अरे भाई पागल, ये पागल हो गया है, टॉय से खेलना चाहिए तो ये इसको तोड़ रहा है। बच्चा और हमने टॉय तोड़ दिया। तो यहाँ पर डैड भी आ चुके हैं, क्या लगता है क्या होगा इसको? क्या इसके डैड डांटेंगे? ये इनको काफी बुरा लग रहा है, इन्होंने टॉय लाया। ओ भाई ये तो चिल्ला रहे हैं। ओ भाई ये वूहू कर रहे हैं यहाँ पे, वूहू कर रहा है, बताओ। तो अभी हम लोग 5 साल के हो चुके हैं और चलते हैं क्लास। अभी हम लोग स्कूल में और यहाँ पर लंच टाइम है और हमारे पीछे एक लड़की बैठी है। हाँ सही कहा मैंने। तो फिर अभी यहाँ पर क्या होगा मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। इनवाइट हर लंच और ईट अलोन, उसको मैं बुलाऊँ या फिर अपने अकेले ही खाऊँ मैं? तो उसको इनवाइट कर लेते हैं भाई, काफ़ी अच्छी लड़की लग रही है। और क्या लगता है कि वो मानेगी? ओ भाई बंदी सही में मान गई, सही में। अभी फ़िलहाल हम लोग इसके साथ लंच करते हैं, ये मान गई है और शायद से ये इसकी क्रश है, पता नहीं। और ये तो मान भी गई लंच करने के लिए। और भाई वूहू तो करना बनता ही है। फिलहाल चलते हैं लेवल मतलब एज 6 पर। तो एज 6 पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मॉम हमें डांट रही है, पता नहीं क्यों।
और हमें इस कमोड़ को साफ करने, भाई कौन 6 साल से, कौन 6 साल के बच्चे से कमोड़ साफ करवाता है भाई, बोलने में भी नहीं बन रहा भाई। लगता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी कोई गलती वगैरह कर दी है मैंने, जिस वजह से मुझसे कमोड़ साफ करवाया जा रहा है। अभी जल्दी से साफ करते हैं कमोड़ को। तो फाइनली कमोड़ पूरा का पूरा साफ हो चुका है और अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो अब हम लोग एज 7 पर पहुंच चुके हैं। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग ने इस लेवल को स्टार्ट कर दिया और अभी यहाँ पर हो क्या रहा है फिलहाल। अभी शायद हम लोग पिकनिक पे आए अपने, हम लोग फिशिंग पे आए अपने डैड के साथ। ओके, और वहाँ पर और बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, शायद खेल रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फिशिंग करना चाहिए या फिर उन्हें ज्वाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से हम लोग भी बच्चे हैं तो हमें भी खेलना ही चाहिए जाके सभी के साथ। ये ले पागल, बॉल ले बोरा, मिक्की ये ले बॉल। नहीं नहीं ये तू ले, इस बॉल में जहर है। नहीं नहीं अगर जहर है तो मैं नहीं लूंगा। ये ले पागल, तो क्या मैं गधा हूँ, मैं भी इस बॉल को नहीं लूंगा। एक सेकंड, वो क्या रहा है हमारी तरफ? अचानक से ये मछली पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई और इन्होंने तो सभी को निगल लिया और अब सब लोग जा रहे हैं मछली के पेट के अंदर। मछली ने तो भाई सभी को खा लिया, अब क्या किया जाए। हाँ पागल सुना, क्या निकलने के लिए हम लोग बोट बनाए क्या, कैसा आइडिया है? नहीं पागल, हम लोग फेदर से इसे गुदगुदी लगा के बाहर निकल सकते हैं। गाइस यार मिक्की ने सही कहा, हम लोग फेदर से इसे गुदगुदी लगा के बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने फेदर को सिलेक्ट कर लिया है फिलहाल, अभी देखते हैं क्या होता है। तो फिर अभी हमने इस सार या फिर पता नहीं जो भी मछली है, मुझे नाम याद नहीं रहता, तो अभी हम लोग इसको गुदगुदी लगाते हैं और इसने हमें यहाँ पर बाहर निकाल दिया अपने मुँह से। फाइनली फेदर से गुदगुदी निकालने वाला प्लान वर्क कर गया, इट्स वर्क। तो फिलहाल अभी हम लोग फाइनली हो चुके हैं 8 साल के, देखते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग खेल रहे हैं छुआ छुआई या फिर पता नहीं जो भी खेल रहे हैं। अभी हम लोग पार्क में खेल रहे हैं और हमें सभी को पकड़ना है और भाई मुझसे जीतना, मुझसे बचना तो भाई इम्पॉसिबल, अभी मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। देखो बात करते ही करते में मैंने सभी को पकड़ भी लिया। तो अभी हम लोग हो चुके हैं 9 साल के, मतलब भाई 1 साल तक ये गेम ही खेलता रह गया, पता नहीं कैसा बच्चा है। फिलहाल अभी हम लोग 9 साल के हो चुके हैं और इधर एक कट सीन चल रहा है। तो ये अपने ड्रॉअर में देख रहा है और इसमें क्या है, लगता है कि आज हेलोवीन है और ये हेलोवीन के लिए रेडी होने वाला है। तो हम लोग बनाना के कॉस्ट्यूम में रेडी होते हैं और पता नहीं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना। और भाई ये तो भाई अजीब चुड़ैल जैसी लग रही है। तो फिलहाल अभी हम सभी दोस्त चल रहे हैं हेलोवीन के लिए और ऐसे लोगों के घर पे जाके उन्हें हमें डराना होता है हेलोवीन में और वो हमें कुछ टॉफीज देते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जाएं, एक नाइस हाउस में जाएं या फिर एक स्पूकी हाउस में जाएं? तो मेरे हिसाब से हमें जाना चाहिए स्पूकी हाउस में क्योंकि ये हेलोवीन है। हेलो अंकल, हम लोग हेलोवीन के लिए आए, हमें टॉफीज चाहिए। हाँ हाँ बच्चे ये ले टॉफीज, ले हेलोवीन के मजे कर। आहा पता नहीं इन्होंने क्या बात की बट इन्हें तो टॉफी मिल गई बट मुझे नहीं मिली। अगर आप लोग चाहते हो मैं टॉफी खरीदूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो जिससे कि मैं भी टॉफीज खरीद सकूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइब मतलब मेरे लिए 1 रुपये, समझ लो जितने सब्सक्राइब करोगे मैं उतने टॉफी खरीद पाऊँगा। ओके, तो शायद अभी हम लोग स्विमिंग सीख रहे हैं और हमसे छोटा बच्चा भी स्विमिंग कर पा रहा है। तो अभी हम लोग भी ट्राई करते रहते हैं और हमें भी स्विमिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 घंटा तो बीत चुका है और हमें फाइनली स्विमिंग आ चुकी है। ये लाइफ में नहीं तो गेम ही में स्विमिंग करके खुश हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हमें भी स्विमिंग आ चुकी है। तो अभी हम लोग फाइनली 11 साल के हो चुके हैं। तो अभी हम लोग प्ले करते हैं और यहाँ पर फादर हमें बुला रहे हैं। हेलो पागल बेटा इधर आओ। तो हाँ हाँ पापा आ रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो ओके, हम लोग फादर के पास पहुँच चुके हैं और भाई अब ये हम लोग से गाड़ी धुलवाने, भाई बच्चे से ये सब कौन कराता है? पहले इन्होंने हमसे कमोड़ धुलवाया था अगर आपको याद होगा तो, और अभी ये लोग गाड़ी धुलवा रहे हैं भाई, बट करना तो पड़ेगा ही। तो चलो अभी हम लोग स्पीड में इस गाड़ी को धो देते हैं। अरे मारने वाला धोना नहीं है, धोने वाला धोना है। चलो फाइनली हमने गाड़ी तो धो दिया और हम लोग 12 साल के भी हो चुके हैं और अभी हम लोग फिलहाल एक चर्च में हैं और चर्च में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। हम लोग करते हैं या फिर वर्ल्ड के पीस की दुआ या गॉड डोंट एग्जिस्ट।
भाई ये बंदा पागल हो गया, गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग दुआ करते हैं यहाँ पर। और अभी मैंने इसको बोला कि ये बंदा पागल हो गया, उससे मुझे याद आया इसका तो नाम ही है पागल। अगर आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में इसका नाम रखा था यही। तो फिलहाल अभी ये जो चर्च के फादर हैं ये भी हम पे प्राउड कर रहे हैं कि भाई ये बंदा अच्छा है, दुआ वुआ कर रहा है, तो हमें भी दुआ वुआ करना ही चाहिए गाइस। और आज से मैं हूँ सैफुल्ला महेश्वरी। तो फाइनली हम लोग 13 साल के हो चुके हैं और हम लोग थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं। और अभी फिलहाल हम लोग आए हैं अपने स्कूल के अंदर और हम लोग चल रहे हैं। ओके कछुआ बनूं चलता फिरूं अपने स्कूल में। अरे यार इसने भाई हमको गिराया क्यों बिना मतलब के, ये लगता है बैड गाइस। और अभी हम लोग इससे फाइट करेंगे, हम लोग अभी चलेंगे नहीं, हमें शरीफ नहीं बना भाई। हमें गिराया तो हम लोग भी फाइट करेंगे भाई, गुस्सा दिला दिया इन्होंने। अभी एक तगड़ा पंच मार के इसे सोला देता हूँ भाई। देखा सुला दिया ना एक पंच में उसका, तो वहाँ पर फाट वाट निकल गया होगा पूरा। ओ भाई पूरी की पूरी स्कूल मेरे लिए चेयर कर रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलते हैं। ओ भाई साथ में लड़की को भी ले लिया भाई। तो अब हम लोग फाइनली 14 साल के हो चुके हैं और अभी हमें इस गर्ल तक रीच करना, हमें गर्ल तक पहुँचना है। तो अभी हम लोग स्पीड में चलते हैं और गर्ल तक पहुंच जाते हैं। दिस इज सो इजी फॉर मी। और पता नहीं मेरे लिए ये गर्ल बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग लड़की बोल लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं इस लड़की के पास। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं, अब क्या होगा यहाँ पर। तो अभी जो भी हुआ मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, नहीं कुछ भी कमेंट्री करना चाहता हूँ। चलते हैं एज 15 पर। फिलहाल पागल यहाँ पर सोया हुआ है और अब ये उठ रहा है भाई। सोया है या जागा एक बार चेक कर ले भाई, कभी सो रहा है कभी उठ रहा है। और फिलहाल हमारे पास दो ऑप्शन है, गो टू स्कूल एंड कीप स्लीपिंग, हम लोग स्कूल जाएँ या फिर सोते रहें। वैसे मेरा देखो ये अभी ठंडी चल रहा है, ठंडी में भाई सुबह सुबह उठ के स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो एक काम करते हैं हम लोग सो ही रहते हैं। ये कीप स्लीपिंग बोल के ये कहाँ पर भेज दिया, तो ये कोई इम्पोर्टेंट वगैरह नहीं है, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। तो फिलहाल अभी सीन कुछ ऐसा है ना कि ये और इसके कुछ दोस्त स्कूल बंक करके आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए एक लेक में। सीरियसली फिलहाल अभी ये लोग तो लेक में कूद रहे हैं, पता नहीं अब ये बचेंगे या नहीं। वैसे हम लोग क्या करें, हम लोग लेक में कूदे या फिर नहीं कूदे, चलो कूद ही लेते हैं, साथ में कूदेंगे। ओ भाई ऐसा सिनेमैटिक शॉट, ये देख के तो मार्वल और डीसी वाले दोनों ही फेल हो जाएंगे। और मार्वल से मुझे याद आया कि आज 15 दिसंबर है और कल ही मूवी रिलीज होने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम, बट ये जो वीडियो है ये आएगी 17 दिसंबर को। मतलब कुछ लोगों ने तो स्पाइडरमैन नो वे होम देख ही लिया होगा, और अगर आपने भी देखा है तो कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, प्लीज बता देना, क्योंकि मैं आप लोगों के भी ख्याल जानना चाहता हूँ। और भाई मैं तो कल मूवी देखने जाने वाला हूँ थिएटर्स में। और हाँ जिन भी लोगों ने देख ली होगी उनके लिए प्लीज कमेंट में स्पॉइलर मत भरना। ओके फिलहाल अभी हम लोग हो चुके हैं एज 20 के, यानी 20 साल के हो चुके हैं हम लोग, और हम लोग मोबाइल में गर्ल्स को डेट कर रहे हैं। अब भाई इसका सिस्टम तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो फिर अभी मुझे सिलेक्ट करना है किसी एक गर्ल को। तो फिर अभी मैं इस वाले गर्ल को तो यहाँ पर से हटा दे रहा हूँ और नेक्स्ट वाले गर्ल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज हमने गर्ल को भी डेट कर लिया और अब हम लोग हो चुके हैं 21 ईयर्स के। और अब इससे आगे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, एम है 500 लाइक्स का, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय एनी चांस अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई होगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ सबसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। इस बार तेज तेज नहीं बोला मैंने।